आज के इस दौर में भारत की YouTube कम्युनिटी उफान पर है। पिछले 10 वर्षों में YouTube ने हमें एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट और क्रिएटर से रूबरू कराया है। यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स और फैन बेस का नंबर अक्सर बदलता रहता है। मुझे अभी भी याद है जब द वायरल फीवर और AIB इंडिया के टॉप चैनल्स हुआ करते थे। इन दोनों ही चैनल्स ने दूसरे इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला। इनके बाद कई यूट्यूबर्स आए जिन्होंने यूट्यूब का इस्तेमाल करके अपनी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग बना दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ही के द्वारा चुने गए भारत के टॉप 10 यूट्यूबर्स। 10th पोजीशन के लिए रियल शर्ट और एल्विश यादव दोनों ही चैनल्स की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। जहां रियल शर्ट के पीयूष, शुभम और दीपक दिल्ली से हैं, वहीं दूसरी ओर एल्विश यादव गुड़गांव से। शुरुआती समय में मिली क्रिटिसिज्म ने इन्हें रुकने नहीं दिया और आज इनकी कॉमेडी वीडियोस ने सभी के दिलों में राज किया हुआ है। 9वें स्थान पर वो चैनल है जिसने एक साल के समय में ही 4.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। मैं बात कर रहा हूँ मेक जोक ऑफ चैनल की। इनकी क्लीन कॉमेडी और इनका हटके एनिमेशन स्टाइल इनकी तेज ग्रोथ का कारण बना। 8th पोजीशन पर है मुरादाबाद के 3 लड़कों का बनाया गया चैनल राउंड टू हिल। नाजिम, वसीम और जैन ने जब 2016 में YouTube वीडियोस बनाने की शुरुआत करी थी तो उन्हें हर तरफ से सिर्फ डीमोटिवेशन ही मिली। पर वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी प्रेरणा खुद से ही मिलती है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब उनके YouTube पर 3.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं पर इन्होंने शुरुआती समय में फुटबॉल ट्रिक्स की वीडियो बनानी शुरू करी थी। 7th पोजीशन पर हैं दिल्ली के हर्ष बेनीवाल और मुंबई के बी यूनिक। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर रहे हर्ष बेनीवाल ने सेकेंड ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया और YouTube को चुना। उनका लिया हुआ ये रिस्क उन्हें आगे चलकर बहुत फायदेमंद हुआ। Instagram से अपना करियर शुरू करते हुए आज उनके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। वहीं दूसरी ओर बी यूनिक की वीडियोस के ट्विस्ट ने सबको हंसाया। 6th पोजीशन पर 3 चैनल्स का टाई है। AIB, TVF और टाइमलाइनर्स ने सही मायनों में इंडिया की कॉमेडी वीडियोस को आकार दिया है। इनकी प्रोफेशनल प्रोडक्शन से लेकर इनके प्रोफेशनल एक्टर्स तक हर चीज में परफेक्शन झलकता है। इनकी वेब सीरीज फ्लेम्स हो या कॉलेज रोमांस, सभी को लोगों की तरफ से खूब प्यार मिलता है। तन्मय भट्ट YouTube इंडिया के सबसे पुराने बड़े यूट्यूबर्स में से हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका कॉमेडी स्टाइल कभी पुराना नहीं होगा और हम उनके जोक्स पर यूं ही हंसते रहेंगे। 5वीं पोजीशन पर हैं संदीप महेश्वरी, जिन्होंने करीब 70 लाख लोगों को मोटिवेशन की राह दिखाई। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक फोटोग्राफर के तौर पर करी थी, जिसके बाद इन्होंने देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टॉक फोटो वेबसाइट बनाई। अपने सफल करियर और जिंदगी से सीखे एक्सपीरियंसेस को दूसरों से शेयर करके इन्होंने कई लोगों को मोटिवेट करा है। 4th पोजीशन पर हैं इंडिया के सबसे बड़े टेक एंथुजियास्ट गौरव चौधरी। इनका टेक्निकल गुरुजी चैनल आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक चैनल है। देश में बेसिक टेक्नोलॉजी की जानकारी देने में इनके चैनल का बड़ा योगदान है। और दोस्तों, यही इंडिया के एक ऐसे लौते यूट्यूबर हैं जिनके पास 2 गोल्डन प्ले बटन्स हैं, एक गौरव चौधरी चैनल से और एक टेक्निकल गुरुजी चैनल से। राजस्थान से पढ़े हुए गौरव ने आगे चलकर दुबई से पढ़ाई करी और अपनी फैमिली के साथ आगे चलकर वहीं सेटल हो गए। 3rd पोजीशन पर है कैरी मिनाटी। 19 साल के अजय नागर ने इंडिया में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। उसने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को एक नया डायरेक्शन दिखाया और आज इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जो भी है उसमें अजय का बहुत बड़ा हाथ है। कैरी के सब्सक्राइबर्स बेशक सबसे ज्यादा ना हों, पर इनकी पॉपुलैरिटी हमेशा टीनेज ग्रुप में सबसे ज्यादा ही रहेगी। दूसरी पोजीशन पर है मुंबई के यूट्यूबर आशीष चंचलानी। सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से एक्टिंग सीख रहे आशीष ने अपनी पहली वीडियो 2014 में अपलोड करी। उनकी पहली वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज आए जिसने उन्हें साफ साफ आगे का रास्ता दिखा दिया था। बस फिर क्या था, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उनके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, पहली पोजीशन के लिए अमित भड़ाना और बीबी की वाइंस के बीच क्लियर टाई है, क्योंकि वह दोनों ही अपने कॉमेडी स्टाइल्स में महारत हासिल किए हुए हैं। व्यूअर्स की बात हो, सब्सक्राइबर्स की बात हो या फिर ट्रेंडिंग सेक्शन की ही क्यों ना बात हो, ये दोनों हर जगह नंबर वन ही रहते हैं और दोनों चैनल्स के ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं। इनका ये माइलस्टोन हमारे देश की YouTube कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। एक तरफ बीबी को YouTube पर 3 वर्ष हो गए, वहीं दूसरी ओर अमित भड़ाना ने ये मुकाम सिर्फ 1.5 सालों में हासिल करा। दोस्तों, अमित भड़ाना और भुवन बाम के बीच के इस टाई को सिर्फ आप ही तोड़ सकते हो। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से नंबर 1 यूट्यूबर कौन है, अमित भड़ाना या बीबी के वाइंस।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।